तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई टर्मिस ट्यूटोरियल में, और ये ट्यूटोरियल नंबर 9 है। अगर अभी तक आप लोगों ने सारे ट्यूटोरियल्स को नहीं देखा बेसिक से एडवांस तक, तो आई बटन पे लिंक है, आप लोग देख लीजिए। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल कर दिया था बहुत ही परफेक्टली, और आप लोगों ने देखा कि कैसे इजी तरीके से मेटास्प्लॉइट को हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। पर मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने के बाद अब आगे क्या, दरअसल मेटास्प्लॉइट से आप लोग बना सकते हो पेलोड्स। अब ये पेलोड्स क्या होते हैं, ये भारी भरकम वर्ड जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा मैं समझाता हूँ। पेलोड्स ऐसे एपीके फाइल होते हैं या फिर ऐसी ईएक्सी फाइल कंप्यूटर में चलती है, एपीके फोन में चलता है, जिसको अगर आप किसी के फोन में डाल दो तो डबल क्लिक करके जैसे फोन में इंस्टॉल करोगे उसको, पूरा का पूरा फोन हैक। पर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको पेलोड बनाना सिखाऊंगा, हैक करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये इनलीगल है और इसके लिए आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा। पेलोड सिर्फ मैं बनाना सिखा दे रहा हूँ, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग पेलोड बनाना तो बता देते हैं पर ये बन के पेलोड गया कहाँ, उसको कैसे भैया निकाल के अपने मेन डायरेक्टरी में डाला जाएगा, ये सब नहीं बताते। तो हम लोग ये सब भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि टर्मेक्स मेरा खुला हुआ है। अगर आप लोगों को पता होगा तो लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मेरे पास टर्मेक्स ऐसा आ चुका है, ठीक है। अभी टर्मेक्स में सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, आप में अगर इंस्टॉल है मेटास्प्लॉइट, सबसे पहले आप ls टाइप करके चेक कर लो कि क्या मेटास्प्लॉइट की फाइलें हैं। अब यहाँ पे देखो, एक payload.apk में बना के टेस्ट कर रहा था, वो भी यहीं पड़ा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बनेगा तो बनेगा, क्योंकि एक बार मैं ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो अगर आपके में मेटास्प्लॉइट टर्मेक्स और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है, इसका मतलब है सब कुछ सही है, वेल एंड गुड है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ls हम लोगों ने किया, अभी आपका क्या है कि आपको सीधे मेटास्प्लॉइट को रन करना है, ठीक है। msf यहाँ पे देखो, और यहाँ पे msf कंसोल आप लोगों को टाइप कर देना और एंटर कर देना है। अब msf कंसोल जैसे ही टाइप करके एंटर करोगे, यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज लेगा, ये मेटास्प्लॉइट काफी बड़ा फ्रेमवर्क है तो ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग एंड्रॉयड और कंप्यूटर सबके पेलोड्स बना सकते हो, और एक नहीं बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेलोड्स बना सकते हो। आज मैं सिर्फ आपको पेलोड बनाना सिखा दूंगा, उसके जो कमांड्स हैं, जो भी मतलब होते हैं ना उनके कमांड के, वो उन डिटेल में हम लोग अभी नहीं जाने वाले। हम लोग धीरे 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 जैसे हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा, तो हम लोग कमांड के मतलब को भी इनडेप्थ में सीखते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी वीडियो को इतना मतलब बढ़िया तरीके से बना दूं, और इतना बच के बनाऊं कि YouTube भाई उसके ऊपर अपनी स्ट्राइक ना मार सके। क्यों? क्योंकि YouTube के मतलब एनवायरनमेंट में हैकिंग अलाउ नहीं है ना। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों का मेटास्प्लॉइट बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया, आई होप सो आप लोगों में भी बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे देखिए एक चीज रख रखी है मैंने। अब आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा कि यार ये सब तिकड़म इसने क्या लिख रखा है। ये वैसे जो फाइल है ये आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगी, और आपको ये फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो कहीं पे भी अगर आप हो एक्सेस कर सकते हो इस फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है फॉर आईपी चेक आईएफ कॉन्फिग हमको डालना है। अभी आईपी हम लोग चेक क्यों करें, दरअसल क्या होता है ना कि ये जो मेटास्प्लॉइट है ये बनाता है रिवर्स टीसीपी कनेक्शन। अभी आपको टीसीपी कनेक्शन रिवर्स टीसीपी के बारे में नहीं पता होगा, बट आप लोग इतना जान लो कि रिवर्स टीसीपी कनेक्शन में किस जगह से कनेक्शन बनाया जाएगा उसके लिए एक आईपी एड्रेस चाहिए होती है, क्योंकि अगर भाई किसी और के फोन को आपसे कनेक्ट करना है तो आपका आईपी एड्रेस डालना वहां पे जरूरी है। अभी आप खाली बेसिक इतना ही सीखो, एडवांस के लिए मैं हूं ना आगे, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग इतना तो खोल चुके हैं, अब ही आपको आपकी आईपी जाननी है। आईपी कैसे जानोगे, यहां ऊपर से स्लाइड डाउन कर दो, ठीक है, स्लाइड ऐसे करा आपने, एक न्यू सेशन खोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। वो सेशन पीछे ही चल रहा है, चिंता ना करो, वो कटा नहीं है, वो यहाँ पे अभी नहीं आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना है आईएफ, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, और यहाँ पे कॉन्फिग, यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने आईएफ कॉन्फिग लिखा और यहाँ पे एंटर किया। अभी एंटर करते ही बहुत सारी अगड़म बगड़म चीजें आ गई हैं। आपको अपना आईपी एड्रेस हमेशा देखना है आईनेट के ऊपर। अभी देखो यहाँ पे दो आईनेट हैं, एक यहाँ पे ऊपर एक आईनेट है, यहाँ एक नीचे है। अभी ये दो आईनेट क्यों होते हैं, ये सब चीजों के बारे में भी हम लोग नहीं बात करने वाले हैं, ये सब एडवांस नेटवर्किंग का टॉपिक है, तो इसके लिए हम लोग छोड़ देते हैं आगे का टाइम के लिए। फिलहाल आपको याद रखना है कि वही आईनेट यूज करना है आपको जो स्टार्ट होगा 192 से, याद रखिएगा वही आईनेट यूज करें जो स्टार्ट हो 192 से। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, 192.168.2.9.99, ठीक है, बहुत ही अच्छा, इतना हो गया हमारा। वापस से ऐसे स्वाइप करोगे ऊपर, यहां से ऐसे स्वाइप करोगे ऊपर से, कई बार स्वाइप नहीं भी होता ये, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अपने पहले वाले सेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है।
अभी यहाँ पे जो कमांड लिखा हुआ है इस कमांड को ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखा हुआ है MSF Venom। अब MSF Venom क्या करता है कि ये एक ऐसा मतलब मेटास्प्लॉइट के अंदर एक ऐसा सेक्शन आप समझ लीजिए जो पेलोड्स को बनाता है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये मतलब आप इतनी इजी भाषा में समझिए अपने हर एक चीज को कि वो आपको मतलब रटना ना पड़े, वो हमेशा आपको याद रह जाए दिमाग के अंदर। ठीक है, वेनम से आप लोग समझ रखो जहर, और जहर ऐसी चीज है जो मतलब किसी को भी काम तमाम कर सकती है। और MSF Venom यहाँ पे डैश पी आप लोग देख पा रहोगे तो ये पेलोड को डिनोट करता है, बट हम लोग अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इन सब चीजों के, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डैश पी लिखा, फिर हमें क्या लिखना है, एंड्रॉयड मेटरप्रेटर रिवर्स TCP। ठीक है, ध्यान रखिए Android/मेटरप्रेटर रिवर्स TCP। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एंड्रॉयड, देख सकते हो आप लोग भी मेरे साथ साथ करते चलो, और यहाँ पे एक स्लैश, ओके मैंने परसेंटेज लगा दिया, स्लैश लगाना है हम लोगों को। ठीक है, और मेटरप्रेटर METER, और यहाँ पे PREETER। ठीक है, मेटरप्रेटर हो गया, और उसके बाद हम लोगों को फिर से एक स्लैश लगा देना है और यहाँ पे लिख देना है REVERSE रिवर्स, और एक डैश, और यहाँ पे रिवर्स TCP। ठीक है, हमने कनेक्शन तो अपना एस्टेब्लिश कर दिया है कि हमें इस तरीके से चाहिए, रिवर्स TCP हमारा चलने वाला है। ठीक है, अभी अपने फोन से रिलेटेड हमें चीजें बतानी पड़ेंगी, जैसे कि एल पोर्ट हमारा और एल होस्ट हमारा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले एल होस्ट टाइप कर देते हैं। एल होस्ट यहाँ पे देख पा रोगे कि हम लोगों ने एल होस्ट टाइप करा, और एल होस्ट में हम लोगों को क्या टाइप करना है, हमारी आईपी एड्रेस। आप लोगों ने आईपी एड्रेस अभी कॉपी की थी ना वहां से, मैंने कॉपी कर रखी थी, तो मैं यहाँ पे अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, एल पोर्ट टाइप करना है, LPORT। ठीक है, एल पोर्ट टाइप करना है। अब देखिए, ये पोर्ट के सेक्शन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पोर्ट आखिरकार होता क्या है, और ये मतलब 4-5 नंबर का ये पोर्ट है क्या। तो इसके लिए मैं आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पूरी बनाऊंगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या होते हैं, सब कुछ बना दूंगा, चिंता ना करो। अभी फिलहाल एक रैंडम 4 नंबर का हम लोग कोई भी पोर्ट डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ 4x8 लिखा है, आप लोग भी 8 डाल सकते हो, 8080 भी पोर्ट होता है, बहुत फेमस पोर्ट है। ठीक है, तो और भी चीजें आप लोग कर सकते हो। ठीक, अभी हम लोगों को लिखना है आर, और उसके बाद हम लोगों को ये साइन लगा के कर देना है जो भी आपको पेलोड का नाम लिखना है। ठीक है, आर, और यहाँ पे हम लोगों ने लगाया ये साइन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे न्यू APK डॉट APK। अब देखो, न्यू APK तो इसका नेम है, और डॉट APK क्या होता है, हमारे एंड्रॉयड फाइल में जो फाइल्स होती है ना उनका एक्सटेंशन होता है, ये चीज याद रखना, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पे एंटर जैसे ही मैं दबाऊंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर इस टाइप का कोई एरर आप लोगों में दिखे, ओवरराइडिंग यूजर एनवायरनमेंट, तो चिंता करने की बात नहीं, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे कि हमारा पेलोड बहुत अच्छे से बन गया है। अभी यहाँ पे ये जो पेलोड की साइज है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है कितने बाइट्स की साइज का ये पेलोड बना है। ठीक है, अभी अब मेन प्रॉब्लम आती है, लोग पेलोड बना तो लेते हैं पर वो भाई पेलोड अब मिलेगा कहाँ। तो सबसे पहले एक चीज हम लोग करेंगे, LS कर देते हैं ताकि मैं देख सकूं कि पेलोड क्या आया है कि नहीं। यहाँ पे देखो, न्यू APK.APK नाम से हमारा पेलोड सब वो आ गया, बट अभी भी हम लोग मेटास्प्लॉइट के अंदर हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जिट कर लेता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं, एग्जिट में करके आ जाता हूँ अपने मेन जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग LS करते हैं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को न्यू APK.APK नाम से मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर अगर इसको तुम्हें अपने डाउनलोड फोल्डर में डालना है या फिर कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहां से तुम एक्सेस कर सको इस APK फाइल को, तो तुम्हें क्या करना है, एक मैं मतलब देखो, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है कि MT मैनेजर, ये जो MT मैनेजर का APK है ना, इसका यूज करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी ये पड़ा है, वहां से भी कर सकते हो, गुड। ठीक है, MT VIP APK, ठीक है, कोई भी मिल गया। अब हम लोग इसका यूज क्यों कर रहे हैं ये भी जानते हैं, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमें दिखाता है अपने जगह की, जहां पे भी ये होता है उसका करेक्ट पाथ। सबसे जरूरी है कि हम लोग किस रास्ते पे हैं, उस रास्ते का नाम पता होना चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं इसमें डाउनलोड्स का फोल्डर खोल देता हूँ ना, यहाँ पे एक पहले से पेलोड पड़ा है, इसको लीव करो, तो ये डाउनलोड्स के फोल्डर का यहाँ पे देखो एकदम करेक्ट पाथ बता रहा है। इसके ऊपर मैं अगर दबाए रखूंगा तो ये क्या करता है, इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा था टेक्स्ट हैज बीन कॉपीड, अगर मैं देखो इसको दबाए रखा हूं, ऐसे करके दबाए रखा, तो ये देखो कॉपी हो गया ऑटोमेटिक, ये पूरा पाथ जो डाउनलोड का है वो कॉपी हो गया। तो अभी आपको क्या करना है ना,
यहाँ पे जाना है। अब देखो हम लोग बेसिक तो पढ़ चुके हैं, बेसिक आप लोग अगर नहीं देखे तो प्लीज आई बटन के ऊपर जाओ या फिर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, बेसिक सीखो कि मैंने कमांड्स कैसे समझाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो न्यू एपीके डॉट एपीके है ना, इसको मूव करेंगे अपने डाउनलोड फोल्डर में। कैसे करना है, एमवी टाइप किया आपने, एमवी और एम मूव, ये मूव के लिए है याद रखना, एमवी हमारा मूव के लिए है, न्यू एपीके और फिर डॉट एपीके। मूव करो न्यू एपीके डॉट एपीके को, कहां मूव करना है अब बताओ, कहां मूव करना है। अब मैं इसके ऊपर अपना ये जो डायरेक्टरी है इसको ऐसे पेस्ट करके इंटर कर दूंगा ना, तो यहाँ पे देखो सर्ट से ये कमांड एक्सक्यूट हो गया और डाउनलोड में चला भी गया। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ गया है डाउनलोड में, तो फिर से देख लो, डाउनलोड में आते ही न्यू एपीके डॉट एपीके, गुड, बहुत ही अच्छा। आई होप सो कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अब हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में।